और दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में मौसम का मिजाज आज बदला बदला नजर आ रहा है। कई इलाकों में आंधी के साथ बारिश देखी जा रही है। मौसम सुहावना हो चुका है, लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है। तापमान में गिरावट देखी जा रही है। जो लोग अपने ऑफिस के लिए निकले, एक चेहरे पे संतोषजनक उनकी स्माइल थी, उसके साथ वो सोमवार का दिन उन्होंने अपने ऑफिस के नाम किया। हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है। सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि हरियाणा के भी कई इलाकों में कहीं पर हल्की बूंदाबांदी तो कहीं पर तेज बारिश देखी गई। तापमान में गिरावट, तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। लोग इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। कुछ लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, उनके लिए भी एक कह सकते हैं राहत की खबर सुबह सुबह ही देखने को मिली। हालांकि किसानों के चेहरे पर एक चिंता की लकीर जरूर है, क्योंकि गेहूं की फसल को ये बारिश जरूर बर्बाद करेगी, तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर शिकन जरूर देखी जा रही है। बहरहाल जो आम आदमी है वो इस बारिश से बहुत खुश नजर आ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले एक दो दिनों में भी ऐसे ही आसार अभी रह सकते हैं। 6 से 9 अप्रैल तक तो घोषणा की ही थी, चूंकि आज 9 अप्रैल है तो आज के बाद भी एक दो दिन अभी ऐसे ही मौसम का अनुमान लगाया जा रहा है। सुबह आप उठेंगे तो ऐसी ही तस्वीरें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। हल्की हल्की बूंदाबांदी के साथ शुरू हुई बारिश कहीं कहीं पर तेज बारिश में बदल गई। लोग काफी लुत्फ उठा रहे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों के चेहरे पर एक अलग सी खुशी थी। क्योंकि सोमवार पहला वर्किंग डे होता है तो कहीं ना कहीं एक मन नहीं होता ऑफिस जाने का, और लेकिन अगर ऐसा मौसम हो तो लोग खुशी खुशी अपने घर से बाहर निकले और अपने ऑफिस के लिए रवाना हुए। कई इलाकों में बारिश देखी गई है। ओपी शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपने इलाके में? अभी भी बारिश है या रुक गई है? देखिए, बारिश जो है सुबह से ही हो रही है, लेकिन अभी जो है थोड़ी थमी है बारिश। जस्ट अभी रिमझिम बारिश हो रही है जिसे कह सकते हैं, लेकिन सुबह के समय काफी मूसलाधार बारिश थी और लोगों को जो स्कूल जाने वाले बच्चे थे उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिलहाल मौसम काफी खुशनुमा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और जो इलाके के लोग हैं उनको गर्मी से कहीं ना कहीं राहत मिली है। फिलहाल अभी बारिश रिमझिम बारिश चल रही है ठंडी हवाओं के साथ में। ओपी, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है कि अभी कितने दिन तक ऐसे ही आसार बने रह सकते हैं? देखिए, मौसम विभाग का ये कहना है, पिछले शुक्रवार को भी बारिश हुई थी, उसके बाद भी मौसम विभाग का कहना था कि आने वाले दिनों में बारिश होगी और आज दोबारा से बारिश हुई है, तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी थी बिल्कुल सही थी और शायद आने वाले दिनों में दोबारा से भी बारिश हो सकती है, जिससे कि जो तापमान है वो कुछ हद तक गिरेगा और दिल्ली वालों को थोड़ी सी राहत मिलेगी बारिश में। हालांकि मौसम विभाग के इस अनुमान से कहीं ना कहीं किसानों को उससे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो दिल्ली के एनसीआर के इलाके हैं वो गांव देहात के इलाके हैं और अभी भी गेहूं की फसलें लगी हुई जो कि कटी नहीं है और इन फसलों पे इस बारिश का काफी खराब प्रभाव पड़ सकता है। चलिए ओपी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। किसानों के चेहरे की लकीरें अब बढ़ चुकी हैं, चिंता है, टेंशन है उनको अपनी फसल खराब ना हो जाए, क्योंकि इस बारिश से सीधा सीधा असर उनकी फसलों पर पड़ेगा, गेहूं की फसल पर पड़ेगा। हालांकि जो आम आदमी है वो इस बारिश को लेकर काफी खुश है, वो इसे मौसम के तौर पर देखकर इसको एंजॉय कर रहा है, लेकिन किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं।